उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के पुलिस लाइन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन के रविंद्रालय में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बच्चों ने भाग लिया। पुलिस लाइन के रविंद्रालय में बामी सारथी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज फ्लैग मेकिंग कॉम्पिटिशन रखा गया, जिसमें कई बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके अभिभावक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ बरेली जोन एडीजी की धर्मपत्नी सुधा राज व बरेली एसएसपी की पत्नी राजी सत्यार्थ दीप प्रज्वलन कर या कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कर्मचारी एवं उनकी परिवारजन उपस्थित रहे। आईएनए के लिए बरेली से ब्यूरो सईद सुल्तान की खास रिपोर्ट। इसके लिए ऑल यूपी ओवरऑल यूपी में आया हुआ है, जिसमें हम आज के दिन हमारे जो बच्चे हैं हमारे पीएमएस के और हमारे जो घरैया लाइन के बच्चे हैं हमारे पुलिस परिवार के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए रखा गया है। उन लोगों को एक कंपटीशन कराया जा रहा है फ्लैग मेकिंग का, जो कि इनको पेपर से फ्लैग मेकिंग करना है और प्लस इनको देशभक्ति के गीत और पोएम्स वगैरह के कंपटीशन के लिए रखा गया है। आजकल अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभक्ति के प्रोग्राम तिरंगा यात्रा इस चल रही है, तो क्या ये प्रोग्राम जो है बच्चों की तिरंगा प्रतियोगिता है किस तरह से क्या किया जाता है? आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत सही पूछा है। हम लोगों ने तिरंगा यात्रा बच्चों से पूरे हमारे पीएमएस के बच्चे एंड हमारे घरैया लाइन के बच्चे प्लस हम सारी ऑफिसर्स लेडीज एंड हमारे टीचर्स सभी लोगों ने मिल करके 15 अगस्त को हम लोगों ने पूरा फ्लैग मार्च किया है, जो हम लोगों ने हमारे जो पुलिस मॉडर्न स्कूल है वहाँ से शुरू किया और वहाँ से लेकर के हम लोग अपने शहीद स्मारक गए, वहाँ पे हमने उसको शहीद स्मारक में अपनी स्मृति और अपने अपने अभिनंदन करते हुए उसको समाप्त किया। किस उपलक्ष्य में है, किस तरह से ये प्रतियोगिता की जा रही है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस बार स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में पुलिस परिवार के द्वारा पूरा एक सप्ताह मनाया जा रहा है आज़ादी के कार्यक्रम, जो 11 अगस्त से शुरू होकर 17 तारीख आज उसका समापन होगा। पूरे एक सप्ताह तक पुलिस अनेकों अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उसी क्रम में पुलिस लाइन्स के बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए, उन्होंने एक सही प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनके हुनर को बाहर लाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं। और उसी क्रम में आज झंडा निर्माण प्रतियोगिता कराई गई है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे अपने तिरंगे से और जुड़ सकें। उसके अतिरिक्त देशभक्ति के गान, देशभक्ति के गीत बच्चे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे वो और अपनी जड़ों से जुड़ सके और अपने देश के लिए और जिम्मेदारी महसूस कर सके। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के पुलिस लाइन में, यहाँ पे तिरंगों को लेकर एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता हैं सुधा राज जी। यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो पुलिस फैमिली का एक बच्चों का प्रोग्राम है, उन्होंने ये इसमें सारा भाग लिया है पुलिस फैमिली के बच्चों ने। और हम आपको बता दें यहाँ तिरंगा ड्राइंग, डांस प्रोग्राम और सिंगिंग, ये प्रोग्राम बच्चों ने इसमें भाग लिया है। और बाकी सुधा